और इस वक्त गड़वाघाट आश्रम पहुंचे थे पीएम मोदी और वहां पर वक्त बिताने के बाद अब रामनगर के लिए निकल चुके हैं। वाराणसी के गड़वाघाट आश्रम से रामनगर के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी। पहली ऐसी खबर थी, पहली ऐसी बात थी, क्योंकि पहले पहले गुरुजी बोल रहे थे तो ऐसी एक खबर थी कि पीएम मोदी उसके बाद संबोधित कर सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने भाषण नहीं दिया और सीधा ही रामनगर के लिए निकल पड़े। रामनगर के लिए इस वक्त रवाना हो गए हैं। रामनगर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने श्रद्धांजलि देनी है, माल्यार्पण करना है और उसके बाद दोपहर बाद उनका वापस आने का कार्यक्रम है। विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, क्या इस वक्त रवाना हो चुके हैं रामनगर के लिए और पहला ऐसे कार्यक्रम था कि पीएम ने संबोधित भी करना था, मंच पर बैठे हुए थे, इस बारे में कोई खबर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल रामनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर आए, उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और जो यहाँ पर गड़वाघाट आश्रम के प्रमुख थे उन्होंने यहाँ पर भीड़ को संबोधित किया और उसके बाद शायद क्योंकि आध्यात्मिक जगह है, शायद इस वजह से चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर भाषण ना दिया और उसके बाद वो सीधे यहाँ से आगे बढ़ गए अपने रामनगर, जहाँ पर वो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निवास स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो फिलहाल गड़वाघाट आश्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पर जो उनके समर्थक आए थे, भीड़ आई थी, वो भी यहाँ से रवाना हो चुकी है। प्रधानमंत्री अब से कुछ मिनट में, 15 से 20 मिनट में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास पर पहुंच जाएंगे। और वहां पर क्या लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, उसके बाद भी कोई कार्यक्रम है शेड्यूल्ड? और जिस तरीके से आपसे बात हो रही थी, लगभग 3 बजे के करीब वो वापसी करेंगे दिल्ली के लिए? बिल्कुल, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक आखिरी चुनाव प्रचार है रामनगर में। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद 1:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोहनिया विधानसभा में रैली है और उस रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे बनारस से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। विद्या जी और विशाल, लगातार हमें जानकारी देते हुए। विशाल, इस वक्त अब विद्या दरअसल जा चुके हैं, मैं सचिन हूं और स्टूडियो से लाइव आपसे बातचीत कर रहा हूं। वाराणसी की हम ये कह रहे हैं कि रामनगर, आपने अभी जानकारी दी कि रामनगर के लिए निकले हैं, गड़वाघाट आश्रम में उन्होंने वक्त बिताया। और क्या ये भी हो सकता है विशाल, आप कई दिन से देख रहे हैं कि क्योंकि पूजा पाठ का कार्यक्रम था, पूजा में हिस्सा लिया, आध्यात्म से जुड़ा ही कार्यक्रम था, तो शायद हो सकता है कि पीएम ने ये सोचा हो कि बेहतर होगा उस मंच का प्रयोग ना किया जाए क्योंकि माहौल चुनावी है? बिल्कुल सचिन, यही हो सकता है कि प्रधानमंत्री क्योंकि यहाँ पर आए, पहले गौशाला में गए, गायों को चारा खिलाया, क्योंकि ये आश्रम है, मठ है, तो यहाँ पर शायद प्रधानमंत्री ने ये सोचा हो कि यहाँ पर राजनीतिक तौर पर भाषण नहीं देना चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री अंदर गए, सबसे पहले जो यहाँ के मठ के प्रमुख हैं उनसे मुलाकात की और उसके बाद फिर पैदल ही आश्रम से चलकर मंच तक आए और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुँचे तो उन्होंने समर्थकों का अभिवादन किया, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उसके बाद बैठ गए और यहाँ पर जो यहाँ के प्रमुख हैं श्री शिवरानंद जी, उनका भाषण हुआ और उसके भाषण के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर हाथ जोड़कर यहां पर जो उनके समर्थक आए थे वो यहां से रवाना हो गए। हो सकता है अध्यात्म एक पहलू हो कि प्रधानमंत्री ने यहां पर इसी वजह से भाषण नहीं दिया क्योंकि चुनावी माहौल है और आश्रम में शायद राजनीतिक तौर पे भाषण ना देना चाह रहे हो प्रधानमंत्री। सचिन जी, और यहां से वक्त कितना लगेगा, कितनी देर में पहुंच जाएंगे रामनगर? सचिन देखिए, 15 से 20 मिनट में प्रधानमंत्री रामनगर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निवास पर पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में कई जगह पर बीजेपी के समर्थक खड़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री बाई रोड जा रहे हैं वहां तक, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त और लग जाए, लेकिन 15 से 20 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल बहादुर शास्त्री के घर पहुँच जाएंगे। यानी कि थोड़ी, यानी 15 से 20 मिनट में लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास वो पहुंच जाएंगे और वहां पर उन्हें वो श्रद्धांजलि देंगे। लगभग कितनी देर वहां पर रुकने का कार्यक्रम है विशाल? देखिए, अभी जो तय कार्यक्रम आया था उसके मुताबिक प्रधानमंत्री वहां पर लगभग आधे घंटे के आसपास रहेंगे और उसके बाद वहां से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहनिया के लिए निकल जाएंगे, जहां पर 45 से 50 मिनट की एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वहां से पीएम सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। सचिन
और इस बीच अगर हम पीछे की कुछ तस्वीरें हम देख पाए, और एक बार फिर से क्योंकि वो दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा आप सुबह से लेकर के अब तक के दोपहर का जो समप रहा है, जो कार्यक्रम रहा है, वो जरा एक बार फिर से दर्शकों को बता पाए, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार बता रहे हैं, आप वहां पर मौजूद थे तो एक बार बेहतर होगा कि आप दोबारा से बता पाए। सचिन एक बार प्रश्न दोहरा दें। विशाल एक बार फिर से अगर आप दोबारा बता पाएं, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार कि सुबह से अब तक क्या कार्यक्रम रहा है और इस वक्त क्या पीछे चल रहा है, कैसी तस्वीर है। देखिए सचिन, अगर हम सुबह से अब तक के कार्यक्रम को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ही तीसरा दिन बनारस में था और तीसरे दिन की शुरुआत उन्होंने एक नए अंदाज में की, यहाँ पर गड़वा घाट आश्रम में आकर। और क्योंकि गड़वा घाट इलाका ऐसा माना जाता है कि ये, अगर आप उत्तर प्रदेश की जातीय समीकरण को देखेंगे, अगर उस लिहाज से हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो ये यादव बिरादरी का प्रमुख पीठ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यहीं तक सीमित करना इसे उचित नहीं होगा, यहाँ पर सर्वधर्म के लोग भी पहुँचते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मान्यता यह है कि ये जो इलाका है, जो ये गढ़वा आश्रम है, यहां पर हर सबसे ज्यादा अगर किसी पर फोकस होता है तो यादव बिरादरी पर होता है। और इसके अलावा आसपास का जो इलाका है वो मल्लाह का इलाका है और कुल मिलाकर ओबीसी वोट बैंक पर आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से फोकस करने की कोशिश की है एक प्रतीकात्मक तौर पर। क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे ही गढ़वा घाट आश्रम पहुंचे, वो सबसे पहले गौशाला में गए और वहां पर गायों को चारा खिलाया, उसके बाद यहां के प्रमुख के साथ बंद कमरे में लगभग 15 से 20 मिनट तक बातचीत की और उसके बाद फिर वो पैदल ही चलकर मंच तक आए और मंच पर आकर उन्होंने भीड़ का अभिवादन स्वीकार किया। और मैं एक बार अभी आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां से धीरे धीरे लोग जा चुके हैं और जो अनुयायी हैं वो भी आश्रम की ओर जा रहे हैं दाहिने तरफ, और जो लोग आसपास के गांव से आए थे वो भी यहां से निकल चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे थे तो मैंने जो यहां पर माहौल देखा, लोग उनकी फोटो यहां पर खींच रहे थे और इसके साथ ही एक बार उनको देखने की भी इच्छा सबसे ज्यादा यहां पर जो लोग आए थे उनके अंदर थी। सचिन जी, विशाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस तफसील से कवरेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इन तस्वीरों के लिए। तो पीएम मोदी कुछ देर में रामनगर पहुंचेंगे, यहां वो लाल बहादुर शास्त्री जी के निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। लाल बहादुर शास्त्री के घर के बाहर से ये रिपोर्ट देखिए। इतना हर्ष हो रहा है कि इसका वर्णन नहीं कर सकते। हम महिलाओं की सुरक्षा, मेन हमारा ये उद्देश्य है कि हम महिलाओं की सुरक्षा करें। नहीं, सुरक्षा तो जो है वो ठीक है, लेकिन लगता है कि भाजपा सरकार आ जाएगी तो और इस ओर ध्यान देगी, चहुमुखी विकास के साथ ही साथ बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा की भी ध्यान देगी भाजपा सरकार। हम लोग एकदम पलक फावड़े बिछा के उनका इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार वर्षों बाद पूरा होने जा रहा है। कोई कुछ नहीं कर पाए, ये देख सकते हैं कि लोगों में कितना खुशी है। ये सभी लोग स्थानीय लोग थे, महिलाएं भी थी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री के आने से अब रामनगर के साथ साथ बनारस के हर जगह के अच्छे दिन जरूर आने वाले हैं। तो आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, एक तरफ पीएम मोदी अपने कार्यक्रम के लिए आगे बढ़े हैं, आगे रवाना हुए हैं, दूसरी तरफ अखिलेश जौनपुर में मौजूद हैं। और आज पूर्वांचल में रैलियों का रेला है और लगातार रैलियां रहेंगी, क्योंकि आज अंतिम चरण के लिए, अंतिम दौर के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा, खत्म हो जाएगा।